नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। बिहार के कटिहार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मामला जिले के सेमापुर ओपी थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर गांव का है, जहां 3 साल बाद जेल से छूट कर आए कुख्यात अपराधी संगठन गिरोह की सरगना का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। डीजे की धमक पर इलाके में ठुमके लगाकर स्वागत किया। अपराधी के स्वागत में ग्रामीणों ने स्वागत यात्रा दियरा क्षेत्र में निकली है, जहां कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। बता दें, मोहन ठाकुर पर बिहार और झारखंड के कई थानों में लूट, हत्या, अपहरण के साथ साथ आर्म्स एक्ट के तहत 30 से भी अधिक मामले दर्ज हैं। जो कि उसमें मिली जुली प्रशासन से मिल जुल के हम पर जो मामला दर्ज कर रहा है कि ये कर रहा है डकैती चोरी, और कोई कहीं पर भी कोई मेरा अगेंस्ट पार्टी भी पकड़ाता है उसमें मोहन ठाकुर का नाम घिस देता है कि मोहन ठाकुर किया है, मोहन ठाकुर का पार्टी है। अभी तक कुल कितने मामले आपके ऊपर दर्ज हैं? न्यायालय में हमारा 25 मामला चल रहा है, सब पर हम बेल पर बाहर हैं। न्यायालय हमको बेल दिया है, न्यायालय पर हमको भरोसा भी है और प्रशासन हमको फंसा रहा है। झारखंड में कितने मामले हैं? 3-4 मामला झारखंड में भी है। अब क्या आप राजनीतिक कदम रखने चाहते हैं? नहीं, जनता है, जनता जो कहेगा वही हम करेंगे, जनता जो कहेगा वही करेंगे हम। शुरू से जनता के हम लोग भलाई किए हैं, करते रहेंगे और कभी भी हम लोग जनता के विरुद्ध नहीं जाएंगे। जो फंसाना है हमको फंसाते रहे, हमारा जो काम है वो करते रहेंगे, भलाई जो करते रहेंगे हम। आगे क्या सोच रखे हैं? वही तो जय श्री राम है हम लोग का नारा है। जय श्री राम। अपना परिचय? हमारा मोहन ठाकुर नाम है, माना चांदपुर घर है, सेमापुर कटिहार जिला। मोहन ठाकुर एक कुख्यात अपराधी कर्मी है और मोहन आदि का पूर्व से ही वहाँ गैंगवार चल रहा है, और इसी क्रम में जस्ट कुछ दिन पूर्व विक्रम यादव की हत्या हुई थी, जिसमें उनके जो भाई थे संजय ठाकुर, उनके पिता प्लस और उन्हीं के गैंग के लोग नामजद थे, जिसमें उनके पिता सुदामा ठाकुर को हम लोग गिरफ्तार कर भेजे हैं, और संजय ठाकुर अभी वंचित और लोग वंचित हैं। मोहन ठाकुर पर लगभग 2 दर्जन से ऊपर केस है, कटिहार जिला प्लस साहेबगंज का भी काफ़ी है, तो वह अपना जमानत पर वह तत्काल राहत हुए हैं, उनको जमानत मिला है और वह आए हैं, तो पुलिस के काफ़ी उन पर नज़र है क्योंकि लोग कुख्यात रहे हैं और अभी भी वो अपना काम से बाहर नहीं आएंगे, इसलिए पुलिस पर सेमापुर पुलिस को मेरे द्वारा कल हम गए भी थे और उनको स्पष्ट रूप से दिया गया है जो उस तरह की कोई गैंगवार नहीं हो, और यदि उन पर हमेशा नज़र हम लोग रखेंगे और इस तरह की पुनः यदि कोई कार्रवाई करी उनके द्वारा की जाएगी तो फिर जो कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, कोविड कानून को लेकर किस तरह से प्रतिबंधित रखा गया है और डीजे पर तो पहले से प्रतिबंध है, ऐसे में डीजे और कोविड कानून का उल्लंघन हम लोग देख रहे हैं, उसकी जांच कराएंगे, जैसा उचित होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे।